मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु में बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ यह फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनिभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रिमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर फर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकि का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रिमिक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रिमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रिमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत पैंतीस करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपये की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोके का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत पैंतीस करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अनोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आई ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपये की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत पैंतीस करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अनोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश विनोदकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रिमेक इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत पैंतीस करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनिभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश विनोदेश आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आई ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आई ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अनोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकीरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत पैंतीस करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह दो की फिल्मों में आई हुई थी दो में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आई ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आई ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अनोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत पैंतीस करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकीरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत पैंतीस करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकीरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपये की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत पैंतीस करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत पैंतीस करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रिमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रिमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपये की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया, प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोके का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत पैंतीस करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आई ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपये की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत पैंतीस करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी बन थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश विनोदेश आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज़ की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनिभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आई ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आई ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ ये फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनिभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह दो की फिल्मों में आई हुई थी दो में फिल्म बनी थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश विनोदेश आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आई ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकीरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नज़र आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत पैंतीस करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है वांटेड वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी कितनी कोस्ट में यह फिल्म बनी थी वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की हम आपको बताने वाले हैं तो मित्रों इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी 2009 में फिल्म बनी थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है इस फिल्म में सलमान खान आयशा टाकिया प्रकाश राज विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह इक्यानवे करोड़ रुपए की थी इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी